So good morning students. Better today we are going to discuss two important topics related to this chapter, that is growth and development of agriculture in India from the year 1947 till 1990. ठीक है, तो 1947 से क्यों स्टार्ट करते हैं. एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट वी गॉट इंडिपेंडेंस, सो देयर आफ्टर वी बिकेम मास्टर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी. ठीक है, सो इट मेक सेंस कि हम 1947 से शुरुआत करें. 1990 तक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद का क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि 1991 एक लैंडमार्क ईयर था इंडिया की हिस्ट्री में, जब हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की, यानी कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. ठीक है, तो उसके बाद से हमारी इकोनॉमी में एक ड्रास्टिक चेंज आया था, तो इसीलिए हमने तीन फेजेस में, हमने बिफोर इंडिपेंडेंस, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1990 एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम स्टडी करते हैं. ठीक है, so growth and development of agricultural sector in India. Today we are going to discuss, yesterday we discussed features of Indian agriculture, right? We also discussed the importance of agriculture for an economy like India. Today we are going to discuss the problems of Indian agriculture. So bete, there are many problems which are being faced by our Indian agriculture. Some of them are there in the slide. First main is instability. Indian agriculture basically bete, it is dependent upon monsoon. There are like nearly about only 40% of the cultivable land is under permanent means of irrigation. Rest of the land depends upon rainfall. So good rainfall implies good harvest, bad rainfall implies bad harvest. So which means के अगर आपकी जो output है वो dependent है एक factor के ऊपर जो कि है monsoon. Monsoon natural factor है, अगर nature favorable रही तो आपका monsoon अच्छा आएगा. ठीक है, आपकी output अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो your output may decline the next year. So बेटे, अनलाइक इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आपने जितना प्लान किया आप उतनी आउटपुट बना लेते हो, मोर और लेस थोड़ी बहुत ही उसमें वेरिएशन हो जाती है, फ्लक्चुएशन हो जाती है. लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में लेट अस सपोज आपने सोचा कि 2021 में आपने इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, लेकिन रेनफॉल नहीं आई, मानसून ने आपको धोखा दे दिया, तो आप इतनी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ऑफन इट हैपन्स के एक साल बहुत अच्छी आउटपुट आती है, अगले साल जो है एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है. ठीक है, सो दैट इज वन प्रॉब्लम वी फेस, दैट इज डिपेंडेंस ऑन मॉनसून. देन बेटे, हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न को बेसिकली हम दो ब्रॉड, जो क्रॉप्स हमारी हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स. तो इंडिया में फूड क्रॉप्स, फार्मर जो है फूड क्रॉप्स ज्यादा ग्रो करता है, फूड क्रॉप्स. और जो नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि जूट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ये इसके अंडर जो एरिया है दैट इज क्वाइट लेस. तो इस करके हमारी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो काफी लूज हो जाते हैं. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आना जरूरी है, बट दैट चेंज इज नॉट हैपनिंग in India. There is one data given to you bete, ke cereals, pulses, food grains, oil seeds mein kitna area under jo tha wo cultivation tha aur uski kitni production hui. Theek hai, aapko ye data learn karne ki zarurat nahi hai. Uske baad hai bete subdivision and fragmentation of holding. You know, this is the chronic problem being faced by Indian farmers, that their size of holding is small. ठीक है, quite small holdings. Maximum farmer जो इंडिया में है वो small and marginal farmers हैं, meaning thereby के जो उनका area है land का, that is less than 2 hectares. अब not only their area is small, land holding size is small, it is fragmented. Fragmented means you know, it is लोकेटेड हेयर एंड देयर. मेरे पास 3 एकड़ का लैंड है, जिसमें से 1 एकड़ का लैंड यहाँ पड़ा है गांव में और 1 एकड़ का लैंड यहाँ पे पड़ा हुआ है.
ठीक है। सो उस कारण से ये जो होल्डिंग्स हैं ये अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स मानी जाती हैं। अनइकोनॉमिक का मतलब ये हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाती हैं, ठीक है। एंड मेनी टाइम्स आपको पता ही है बेटे, हम इंडिया में रहते हैं, ये किसी से भी फैक्ट छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से इंडियन फार्मर्स जो है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, स्पेशली इन साउथ इंडिया और इवन इन पंजाब, ठीक है। उसका कारण यही है कि इनके जो लैंड साइज है वो काफी स्मॉल है, जिसके ऊपर आउटपुट ज्यादा नहीं हो पाती, मार्केटेबल सरप्लस नहीं बचता है। सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, अपने डेट में से निकलने के लिए उनको अपने लैंड का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है। सो दिस अगेन लीड्स टू स्मॉलर साइज ऑफ होल्डिंग्स, लैंड और सब डिवाइड हो जाता है। सो एक जो प्रॉब्लम है ये परपेचुएटिंग प्रॉब्लम है। परपेचुएटिंग मींस अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये और बढ़ती जाती है, परपेचुएट होती जाती है, कंटिन्यूअसली चलती जाती है। तो इसके लिए बहुत ड्रास्टिक हमें स्टेप उठाने की जरूरत है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, लैक ऑफ क्रेडिट। इंडिया में क्रेडिट की कमी है, जो इंडियन फार्मर है वो इलिटरेट है। जनरल बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि हर फार्मर इलिटरेट होता है। आजकल बेटे बहुत ज्यादा एडुकेटेड लोग जो है वो इस फील्ड में आ रहे हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग में। आपने मिंक ऑर्गेनिक का नाम सुना होगा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ मिंक ऑर्गेनिक्स? इट हैज अ थ्री और फोर आउटलेट्स इन जलंधर। Raise your hand if you have heard the name of Mink Organics. Okay, you have a poor GK, I would say. तो बेटे Mink Organics का जो ओनर है, he is an IITian. तो उसने एक he used to be engaged in a very good paying job, but he left the job and he started organic farming. तो बहुत स्मॉल स्केल पे उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की थी। आज उसके 5 आउटलेट्स हैं, ठीक है, जलंधर में, जहां पर वो ऑर्गेनिक पल्सेस, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक मिल्क एंड मेनी अदर ग्रोसरी आइटम्स दे सेल। सो कहने का मतलब ये है कि जनरल मैंने बात की है कि जनरली जो इंडियन फार्मर होता है वो इलिटरेट होता है, तो उसको ज्यादा सोर्सेज ऑफ क्रेडिट नहीं पता होते हैं। तो उसको सिर्फ अपने गांव में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, जैसे कि मनी लेंडर हो गए, बिग फार्मर हो गए, उसी के बारे में वो अवेयर होता है। मोर ओवर वो ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं उससे करवाते हैं, एक अंगूठा लगवाते हैं और उसको पैसे दे देते हैं जब भी उसको पैसे चाहिए होते हैं। सिर्फ एक कन्वीनियंस के चक्कर में वो एक बहुत डेट ट्रैप के चक्करों में फंस जाता है, ठीक है। और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उसके बेटे, वो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एक ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड के ऊपर आते जाते हैं, काम करते जाते हैं, विच अगेन लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डज इट लीड टू एनीवन, व्हेन ऑल द फैमिली मेंबर्स दे स्टार्ट वर्किंग ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, सेम पीस ऑफ लैंड विच वॉज अर्लियर वर्कड ऑन बाय से 5 मेंबर्स, नाउ 10 ऑफ देम आर वर्किंग ऑन दैट पीस ऑफ लैंड। हु वुड टेल मी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डज इट लीड टू? ओके लेट मी चेक, राइट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके अलावा बेटे देर इज अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, रेगुलेटेड मार्केट्स नहीं है। गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, मंडीज हैं, लेकिन दे आर मोस्टली इन दी सिटीज। आप जलंधर में देखो, मकसूदा साइड चले जाओ, वहां पे ऑर्गेनाइज मार्केट है, रेगुलेटेड मंडीज हैं, दैट इज दे आर गवर्न्ड बाय मार्केट कमेटी। मार्केट कमेटी जिसमें यू नो फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, ट्रेडर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। इवन दो स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एस्टेब्लिश रेगुलेटेड मार्केट्स, बट स्टिल दीज आर फाउंड ओनली इन सिटीज।
रूरल एरियाज में रेगुलेटेड मार्केट्स नहीं है, ठीक है। तो अनदर मेन प्रॉब्लम, अभी तक हमने चार पांच प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। इंडिया का जो लैंड टेन्योर सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। नाउ हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड लैंड टेन्योर? लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब है जो ओनर है सॉयल का और जो टिलर है, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो डिफेक्टिव है। वो डिफेक्टिव कैसे है? अगर मैं एक लैंड ओन कर रही हूं, आई शुड बी द वन हु शुड टिल द सॉयल, मैं ही वहां पे खेती बाड़ी मुझे ही करनी चाहिए। अगर मैं किसी और के लैंड के ऊपर खेती बाड़ी कर रही हूं और ओनर कोई और है, खेती बाड़ी मैं कर रही हूं और वो मुझे, उसने एक फिक्स्ड अमाउंट की हुई है कि आप जितना मर्जी काम कर लो, जितनी मर्जी आउटपुट होगी मेरी इस लैंड पे, 100 के 200 क्विंटल आप मेरे को प्रोड्यूस करके दे दो, मैंने आपको इसके बदले, काम करने के बदले 1 क्विंटल वीट ही देनी है। तो बेटे व्हाई वुड आई मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, जब मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो मैं उसके ऊपर मेहनत क्यों करूंगी, ठीक है। यहां पर क्या प्रॉब्लम आई? डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। तो हमारा जो लैंड टेन्योर सिस्टम है वो काफी डिफेक्टिव है, ठीक है। यहां पर जमींदारी सिस्टम है। जमींदारी सिस्टम क्या होता है, आगे जाके भी डिस्कस कर लेंगे, चलो अभी बता देती हूँ। जमींदारी सिस्टम ये होता है बेटे, ये ब्रिटिशर्स ने आके इंट्रोड्यूस किया था। लेट मी टेल यू स्टोरी बिहाइंड हाउ इट ओरिजिनेटेड। व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे केम फॉर ट्रेड पर्पस, देन दे स्लोली एंड स्लोली दे मेड इंडिया देयर कॉलोनी, दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इंडिया। इंडिया वॉज देन अ लैंड ऑफ नवाब्स, है ना, तो प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था इंडिया, छोटे 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 स्टेट्स में डिवाइडेड था, विच वर ओन्ड बाय राजाज, महाराजाज, नवाब्स एंड सो ऑन। सो what Britishers wanted, they wanted to make India their colony, they wanted to establish their own rule. At that time Mughal empire was there in India, even Mughals were not Indian, they had also, you know, हमारे ऊपर वो भी राज करने ही आए थे, काफी सालों से वो राज कर रहे थे। अब उसके बाद Britishers आ गए इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो Britishers क्या करते थे, जो राजा महाराजा उनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते थे, ठीक है, यानी उनके कंट्रोल में रहते थे, या कोई भी लोग होते थे, कोई भी उनके इस तरह के स्लेव्स जो होते थे, सर्वेंट्स होते थे, लॉयल सर्वेंट्स होते थे, जो उनकी पॉलिसीज परस्यू करते थे, उनके फेवर में बोलते थे और इंडियंस को, अपने भाई बंधुओं को एक्सप्लॉयट करते थे, उनको वो एक ना लैंड की वो दे देते थे, जागीर दे देते थे, चाहे गाँव तेरा हुआ, ठीक है, अब इसमें जितना भी रेवेन्यू होगा You will be, ये सारा लैंड तेरे नाम का हो गया, तो इसमें मेरे को, तूने सिर्फ गवर्नमेंट ये कहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेरे को सिर्फ टैक्स देना है। टैक्स वॉज नोन बाय द नेम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लगान भी कहते हैं जिसको हम हिंदी में। तो तूने मेरे को सिर्फ लगान देना है, अब ये पूरा का पूरा विलेज तेरा हो गया। इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जो लोगों के पास ऑलरेडी, जो उन खेतों के ऊपर काम कर रहे थे, they were reduced to the status of landless laborers, ठीक है, काम वो करते रहे। अब जमींदार, देखो मेरे को पूरे गांव की जमीन मिल गई, मैं उसकी खुद तो नहीं खेती बाड़ी कर सकती, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं काम करते रहे, लेकिन जितनी भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो उनको नहीं जाएगी। दैट प्रोड्यूस वो जमींदार ले लेता था और उसमें से कुछ परसेंटेज वो लैंड रेवेन्यू दे देता था ब्रिटिशर्स को, और कुछ बहुत ही कम परसेंटेज वो लैंडलेस लेबरर, जो सारा दिन रात मेहनत करके काम करते थे, जिनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था, उनको सिर्फ बहुत ही कम प्रोड्यूस का हिस्सा दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगुलर रिलेशनशिप थी ओनर, लेबरर और गवर्नमेंट के बीच में। एंड वॉट यूज टू हैपन, अगर मौसम अच्छा नहीं रहा, बारिश नहीं आई, मानसून अच्छा नहीं आया, प्रोडक्शन नहीं आई, इवन देन
the government would demand revenue, right? So and zamindar would then exploit the tenant. वो उसको कहते थे हमें लगान दो, ठीक है, और वो लगान कहाँ से लाएगा बेचारा जब उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं हुई है या बारिश ही नहीं पड़ रही है, उसकी फसल सड़ रही है पड़ी पड़ी, ठीक है. That was if you have seen the movie Lagan. If you haven't seen it, you must watch it. You will come to know about the zamindari system from there. ठीक है, and about the concept of lagan. So basically, land tenure system जो था ब्रिटिशर्स ने आके वो खराब कर दिया, वो डिफेक्टिव हो गया, ठीक है. और स्टेबिलिटी नहीं थी टेन्योर की, जो वहां पे लैंडलेस वर्कर काम कर रहे थे ना, तो उनको किसी भी टाइम जमींदार लैंड से निकाल सकता था. तो पहले उसको कहीं एक टाइम का खाना मिल जाता था वो खेती बाड़ी करके, जब उसको लैंड से निकाल दिया तो वो उस खाने से भी वंचित हो जाता था, ठीक है. सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर बीइंग फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है बच्चे, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? Okay, now let's see what were the agricultural policies and programs initiated by the government during plan period. Kyunki humne dekha ki Indian agriculture was suffering from such kind of problems. In order to overcome such problems, which policies and programs were undertaken by the government of India to overcome these problems? So bete, naturally government ne jaise independence hui, तो हमने कहा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बिना कोई भी डेवलपमेंट इंडिया में पॉसिबल नहीं है. ये प्लानिंग कमीशन ने कहा था, इंडिया में अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आपको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करनी पड़ेगी. इफ यू रिमेम्बर, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन वॉज द कॉमन गोल ऑफ प्लानिंग. एंड इफ यू रिमेम्बर, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था, दैट वॉज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे. सो वेरियस रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, उनको हम कहते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स. एग्रेरियन वर्ड मींस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स मींस कुछ सुधार, चेंजेस विच वर इंट्रोड्यूस टू मेक इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम. सो मेनी एग्रेरियन रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, especially in the initial years of planning. All these reforms we categorize into three main categories. One is land reforms, another is technological reforms, third one general reforms. Got it? Land reforms. Land reforms are also known as इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. जो लैंड रिफॉर्म्स है इसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कह देते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स बेटा? लैंड रिफॉर्म्स आर बेसिकली दोज रिफॉर्म्स विच आर रिलेटेड टू द चेंज इन द पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप. I recently told you कि जो ownership थी, land tenure system था, that was defective. India में क्यों agriculture develop नहीं कर रही थी, उसका एक main कारण था land tenure system. ठीक है, that was defective. That is जो ownership थी वो defective थी. So many reforms were undertaken by the government to make a change in the pattern of land ownership, right? So all these reforms which aimed at redistribution, and you can write it down bete for MCQs, it is very very important. Pehli baat, land reforms relate to pattern of land ownership. You can write it down, pattern of land ownership. Then it aims at, जो land reform है उसकी aim क्या थी? Number one, redistribution of land. Its aim was redistribution
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का मतलब है जमींदार से लैंड लेके लैंडलेस लेबरर में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू मेक टिलर द ओनर ऑफ द सॉयल, टू मेक टिलर ओनर ऑफ द सॉयल, राइट. सेकेंड बेटे इसकी एम क्या थी लैंड रिफॉर्म की, दैट वॉज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट्स, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट्स. टेनेंट्स जो दूसरों के खेतों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका कोई उनको स्टेबिलिटी नहीं थी टेन्योर की, उनकी लाइफ बहुत ही खराब होती थी, उनको किसी भी टाइम ओनर लैंड से निकाल दिया जाता था, निकाल देता था, तो एक अनसर्टेनिटी सी हमेशा उनके ऊपर मंडराती रहती थी. लेकिन लैंड रिफॉर्म का मकसद था कि टेनेंट के इंटरेस्ट को हमने सेफ गार्ड करना है. तीसरा बेटे हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड. तो हम अब चाहते थे कि फर्दर लैंड की सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन जो है वो रुक जाए. सो वी एम्ड एट प्रिवेंटिंग फर्दर सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, ठीक है बेटे. ये आपने नोट डाउन करते जाना है, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये एमसीक्यूज के लिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो लैंड रिफॉर्म्स, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, दे रिलेटेड टू द पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप. देयर मेन आइडिया बिहाइंड दीज रिफॉर्म वॉज टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड, टू मेक टिलर द ओनर ऑफ द लैंड, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट, and to prevent subdivision and fragmentation of land. So let's see, ये हमने कैसे किया. सबसे पहले हमने independence के बाद एक legislation pass की जिसमें हमने जमींदारी system को abolish कर दिया. Abolition of जमींदारी system. I have told you what is a zamindari system. Here is the British government. Here is the zamindar. Here is the tiller. So tiller is supposed to give revenue to the zamindar, who is further supposed to deposit it in government's treasury. ठीक है. So no direct link between tiller and government is there. So as a result, zamindar used to exploit the tiller. ठीक है. और बहुत ज्यादा इससे जो लैंड के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो लैंड की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. देयर वाज नो इक्विटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी लैंड की, जिसके कारण रिच वर गेटिंग रिचर, पुअर वर गेटिंग पुअरर. सो उसको अवॉइड करने के लिए जैसे ही ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, हमने अपने कानून में हमने एक नया कानून बनाया, abolition of zamindari system. How we did that? हमने एक legislation pass किया कि भी जो जमींदार, जो owner land खुद cultivate नहीं कर रहे हैं, वो record दे दें अपना. Government के पास सारा record आ गया कि ये farmer जो है ये land cultivate नहीं कर रहा, आगे से करवा रहा है. Government ने उनसे land procure कर लिया, उनको कुछ compensation दे दी, ठीक है, और वो land उनसे वापस ले लिया, और वो land फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो लोग उसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहे थे, यानी एक्चुअल टिलर्स वर मेड द ओनर ऑफ द सॉइल. ठीक है, जो लैंड जो ओनर नहीं थे, जो टिलर थे, उनको ओनर बना दिया गया. ठीक है,
तो ये जो जमींदार जिनको हम जागीरदार भी कहते हैं, उनसे वो सिर्फ रेंट कलेक्ट करके, उनका काम क्या था, रेंट कलेक्ट करके आगे गवर्नमेंट को देना, ठीक है। सो वी वांटेड इक्विटी इन एग्रीकल्चर, इस इक्विटी को लाने के लिए लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए। इंडिपेंडेंस के एक साल के बाद ही हमने जमींदार को, यानी जमींदार जो कि इंटरमीडिएरी था, ठीक है, इसको हम इंटरमीडिएरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यार जमींदार वर द इंटरमीडिएरीज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एक्चुअल टिलर, दे वर एबॉलिश्ड एंड द टिलर वर मेड द ओनर ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो इसके पीछे आइडिया क्या था कि जब वो लैंड के ओनर बन जाएंगे, इट वुड गिव इंसेंटिव टू देम, एक उनको इंसेंटिव मिलेगा कि उन्होंने लैंड के ऊपर इंप्रूवमेंट करनी है और अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्योंकि उनको पता है जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसके कारण जितना रेवेन्यू अर्न करेंगे उनको खुद को मिलेगा, ठीक है। सो इन दिस वे दिस लेजिस्लेशन वॉज पास। हाउ सक्सेसफुल इट वॉज दिस वी विल स्टडी लेटर ऑन, अभी मैं सिर्फ आपको इनके मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट वॉज रेगुलेशन ऑफ रेंट। अर्लियर द ओनर यूज टू प्रोक्योर एज मच एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस एज रेंट। सपोजिंग 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हुई है, 50 क्विंटल वो ले जाता होता था, ठीक है, हाफ और कई बार हाफ से भी ज्यादा ले जाता था, सो इन द फॉर्म ऑफ रेंट। सो अगेन अ लेजिस्लेशन वॉज पास, गवर्नमेंट ने रेंट फिक्स कर दिया, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेंट फिक्स हुआ, वेरिंग फ्रॉम 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टू 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। आज कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहां पे जो ओनर है वो 1/3 से ज्यादा रेंट चार्ज कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम 1/6 टू 1/3। मतलब अगर 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हुई है तो मैक्सिमम वो आपसे 33 क्विंटल इन द फॉर्म ऑफ रेंट ले सकता है, ठीक है। सो मोरओवर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वाज आल्सो फिक्स्ड। ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जमींदार अपने कल्टीवेटर को किसी भी टाइम निकाल दे, नहीं, ठीक है, बिना किसी रीजन के उसको निकालना अब लीगली अलाउड नहीं था। Got it? So another reform which was introduced, bete, was ceiling on land holding. मैंने कहा equity नहीं थी agriculture में, unequal distribution थी land की। तो equity को promote करने के लिए जो land reform introduce किया गया, that was ceiling on land holding. You know what is the meaning of ceiling? Ceiling means upper limit. ये छत है हमारी ऊपर, इसके beyond हम नहीं जा सकते, तो ये एक अपर लिमिट फिक्स कर देना। टू पुट सीलिंग मींस टू पुट अ अपर लिमिट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी पर्सन, एक लिमिट फिक्स कर दी, मैंने कहा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग लॉ पास किए, तो जैसे सपोज करो हमने एक लिमिट फिक्स कर दी कि 25 एकड़ से ज्यादा आपके पास लैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 25 एकड़ से ज्यादा जिसके पास लैंड था वो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिया, उसके बदले उनको कुछ कंपनसेशन दे दी, और वो लैंड कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पे लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये जो लिमिट थी ये बेटे एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स के ऊपर भी लगाई गई, और फ्यूचर में आपने जो एक्वायर करनी है लैंड उसके ऊपर भी लगाई गई, ठीक है। सो दिस वॉज द थर्ड रिफॉर्म। द बेल हैज गॉन, वी विल डू इट टुमारो नाउ, बाय टुमारो वी विल बी कवरिंग दिस चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो परसों तक हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको इसकी असाइनमेंट शीट्स जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगी या वन वर्ड आंसर्स होंगे, दैट आई विल बी सेंडिंग यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।